हम बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की क्वीन ही नहीं, बिग बॉस के ये विनर भी बनेंगे बिग बॉस सीजन 18 का हिस्सा। सलमान खान ने किया सभी को शॉक। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो शुरू हो रहा है। सलमान खान ने इस शो का प्रोमो भी शूट कर लिया है। शो शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से, और 5 अक्टूबर से फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इस बार का थीम बिग बॉस कुछ अलग करना चाहते हैं। बिग बॉस के ओटीटी के विनर एल्विश यादव, मनीषा रानी, अभिषेक मलहन के बाद अब बिग बॉस सीजन 17 के विनर भी सामने आ चुके हैं। बिग बॉस सीजन 17 के विनर मुनव्वर फारूकी को कौन भूल सकता है। मुनव्वर फारूकी की जो पॉपुलैरिटी है, मुनव्वर को बिग बॉस के ओटीटी सीजन 3 में भी इन्वाइट किया गया था, और अब बिग बॉस के सीजन 18 में भी मुनव्वर की एंट्री कंफर्म मानी जा रही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मुनव्वर बतौर कंटेस्टेंट आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मुनव्वर फारूकी को टीम लीडर के तौर पर एज एन गेस्ट बुलाया जाएगा, और मुनव्वर फारूकी की एंट्री के बाद जाहिर सी बात है जो मुनव्वर की जनता है, जो मुनव्वर के फैंस हैं, वो इस शो को जरूर देखना चाहेंगे। हालांकि मुनव्वर ही नहीं, एल्विश यादव भी वहां पर मौजूद होंगे, मनीषा रानी को भी इनवाइट किया गया है। और इस बार का जो थीम है उसके लिए फैंस इसलिए भी एक्साइटेड हैं क्योंकि फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को कुरेदा जाएगा। जो चीजें हुई थी मुनव्वर फारूकी के साथ, वो इस बार सभी कंटेस्टेंट के साथ होगी। फिलहाल के लिए मुनव्वर फारूकी की एंट्री पर आपका क्या है ओपिनियन? क्या आपको भी लगता है कि बिग बॉस के पास्ट के विनर को बुलाकर बिग बॉस अपनी टीआरपी के लिए बुला रहे हैं, या फिर इससे कुछ बड़ा फायदा होगा मेकर्स को, या फिर आपको लगता है कि कुछ नए चेहरों को बुलाना चाहिए, कुछ नए चेहरों को मौका देना चाहिए? मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।